Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same as a loss, as a loss. Keep all your game as a loss, as a loss. It's all the same as a loss, as a loss. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से देखिए, मैं अपने वाले घर में बहुत मजे में हूँ। मम्मी के घर से वापस आके और मम्मी भी यहाँ बहुत मजे में है, एक्सरसाइज मार रही है। तो बस यही है। और बताइए आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और मौसम चेंज हो रहा है, अपना ख्याल रखिए, अपना केयर करिए। इसी मौसम में लोग बीमार पड़ जाते हैं, वायरल हो जाता है, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो अपना बचाव कीजिए, बच के रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए और ठीक रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। और मेरा मतलब स्नान स्नान हो गया है और अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि आज मैंने उसके पहले कुछ भी नहीं खाया। मैं ऐसी हूँ, यहाँ आके मैं अपने रूटीन पे आ गई हूँ, तो ये भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी हल्का सा खा लूँ। जस्ट लाइक अ ब्रेकफास्ट तो मैं करती नहीं हूँ, लंच करती हूँ, तो वो भी मैंने नहीं लिया। और अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, भूख लगी। और आज बनाया है कटहल की सब्जी, जो छोटे वाले कटहल होते हैं उसकी सब्जी, रोटी, चावल, दाल, जो भी बनती है चीज़ें। और देखो मैं शीशे में दिखाई दे रही हूँ, देखा, अरे ये ले, और देखो मैंने यही पहना है, चीज़ें में देख लो, ये पहनना है मैंने। तो बस चलिए खाते हैं, फिर आपसे बात। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। नीचे कर लो, खड़ा कर दो, स्टैंड कर दे, नीचे कर, नीचे सीधा नीचे। अरे केड़ा मैं करूँगा, केड़ा वगैरह तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये पहना है मैंने, ये वाला फ्रॉक मैंने पहना है आज। और ये बहुत कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए, बाहर में पहन के जाने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। खड़ा नहीं करो, अच्छा रहेगा, लेकिन खड़ा वीडियो खराब जाएगी ना, अपना कट करना पड़ेगा। तो ये पहना है मैंने। तो बस गाइस, तो घर में कंफर्टेबली आप ऐसे ही कुछ पहनो जिसमें अच्छे दिखो, फिट दिखो, अच्छे दिखो और कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत मस्त दिखो। और बस ऐसी, तो मैंने पहना है, अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है गर्मी के अकॉर्डिंगली भी। तो चलिए ठीक है, खा के बात करते हैं। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से। हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं आज मुझे नहीं हंसने का मन हो रहा है, नहीं बोलने का मन हो रहा है। सॉरी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है या फिर मुझे कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल अलोन फील करते हो, एकदम अकेले, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी नहीं अच्छा लगता है, किसी से बात करने को अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ, मैं अच्छा फील करूँ, सबसे बातें करूं, सबके बीच में बैठूं, लेकिन मुझे नहीं पता,
ना ही मुझे किसी से बात करने का मन हो रहा है, ना ही किसी के पास बैठने का मन हो रहा है, ना ही किसी को सुनने का मन हो रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्ते अपने नहीं होते। बस दिमाग में एक ही चीज आ रही है बार बार कि ये दुनिया है ना, जो ये दुनिया है बहुत मीन है। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी है। अब बस ऐसे ऐसे खिल खिलाओ और सबको खुश रखो, चाहे आपके अंदर कितना भी दर्द भरा हो, कितनी भी तकलीफ भरी हो, कितना भी खुट रहे हो आप, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल रखो, ऐसे करो और खिलखिलाओ, लोगों को सुनो। हर किसी को अपने आप को आपको सुनाना है, उसको सुनो, उसको समझो, उनको टाइम दो, उनको वैल्यू करो, उनकी उनको अहमियत दो। बट आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे अच्छा फील होता है, किसी को नहीं समझना है, किसी को भी नहीं। शायद ये मेरा पर्सनल, शायद क्या, सच्ची में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, मेरी लाइफ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश रखूँ, सबकी खुशी का कारण बनूँ, हमेशा हंसती रहूँ, खिलखिलाती रहूँ, चेहरे पे एक मुस्कान रहे, सबकी परवाह करूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे लिए होता है, कोई एक बंदा, कोई एक बंदी, कोई भी दुनिया में एक ऐसा पर्सन हो जिसको मेरी फिक्र हो, जो मेरे लिए बेचैन हो, जो मेरे लिए सोचता हो, मेरे लिए केयरिंग हो, नहीं पाया अब तक। लाइफ जितनी जिया जी है मैंने, जो जर्नी जितनी मेरी कंप्लीट हुई होगी जिंदगी की, जब से मैंने होश संभाला होगा तब से और अब तक, ये मेरी लाइफ का सबसे कड़वा एक्सपीरियंस है। कोई नहीं, फिर भी हमेशा सोचती हूँ यार चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, अपने आप को तैयार करती हूँ, उठती हूँ, खड़ी होती हूँ और फिर से लगता है नहीं चलो ठीक है, यही जीवन है, दिस इज लाइफ, बस यहाँ पे यही करने के लिए हम सब आए हुए हैं कि मुस्कुराओ, हंसो, हंसाओ, कूदो, हाँ, चहको, पूरी दुनिया की फिक्र करो, आपकी हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया ऐसी है, आपका होना ना होना किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी के लिए वैल्यू नहीं रखते हो। जब कभी मन में ये बात क्लिक करने लगती है ना, तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ कि वारी दुनिया, वारी दुनिया। वो गाना है ना, कैसे मुझे तो याद भी नहीं है, कि एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले। यस, कैसे है, आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है, सौ में भी अकेले हैं। यस, आईने के हजारों टुकड़े भी हो जाए ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, पूरी पृथ्वी
कोई किसी का नहीं होता है, हर रिश्ते तभी आपको तवज्जो देते हैं जब आप उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। आप बस सोचते रहो सबके लिए, भूल जाओ कि कोई आपके लिए सोचेगा, तब आप बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। आप 100 अच्छा करो कोई गिनती नहीं है, आप 1 खराब करोगे ना उसी दिन से दुनिया में सबसे खराब हो जाओ, आपसे खराब दुनिया में कोई नहीं होगा फिर तो। ये चीज़ है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, बट बहुत बैड वाली फीलिंग आ रही है। उस दिमाग में ये चल रहा है, यार क्या है ये, क्यों है, लोगों को बस यही चाहिए आपसे, आप हमेशा सबकी परवाह करो, हमेशा हंसते रहो, सबको हंसाते रहो, खुश रहो, आपकी खुशी किस पे है, आपकी हंसी किस पे है, किस में अच्छा फील करते हो, किसी को फिक्र नहीं। छोड़ो, मैंने आपको भी इमोशनल कर दिया, सॉरी गाइस, बट क्या करूं, मैं तो बहुत पहले बता चुकी हूँ कि सबसे सच्चा दोस्त मुझे यही समझ में आता है कि जब भी मैं बहुत ख़राब फील करती हूँ मैं कैमरे से बात कर लेती हूँ, कैमरा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और मेरा मन हल्का हो जाता है। बट अभी एक ऐसी बेचैनी है, जाके भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को संभाल लूँ बट नहीं हो पा रहा है। चलो फ्रेंड कोई नहीं, हंसते हैं ऐसे वाला क्या फर्क पड़ता है, जब यही दुनिया है यही जीवन है ऐसे ही जीना है, जी लेंगे और ये कड़वा जहर जो है जीवन का पी लेंगे। जब सांसें भरती हूँ तेरे देखी गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। Keep all your game, as in lost, as in lost. It's all the same, as in lost. तो कहाँ लगाओगी मेरे नाक में?
और ये चाय चढ़ा देते हैं। चढ़ाओ, ये गुरु को चढ़ रहा है। अरे उल्टा चढ़ा रही है, ये इधर रहे। ये भी पता नहीं किधर है, बस ग्लूकोज चढ़ रहा है। एक गाल पे रहेगा, एक गाल पे रहेगा, ये मेरे को ग्लूकोज चढ़ रहा है। और कहाँ रहेगा ये? बॉटल में जाते हैं वो हमारे, ये चाय में रहेगा। मैं चाय पी रही हूँ, मैं चाय सिरिंज से पी रही हूँ। चाय पीने का नया टेक्निक है। हेलो अपना इंडिया, तुम सारा मूंगफली मिलकर टपक जाती हो। हाँ मूंगफली है, मसाला तो चारों तरह से, खाली इसमें कॉर्नफ्लेक्स है और ये मक्का है। मम्मी हम लोग को इंजेक्शन लगता है, ऊपर दिखता भी नहीं है, कल लगा था इंजेक्शन, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोपी लगा देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतना बड़ा गुफा सा हुआ पड़ा और सारा चमड़ा ऐसे उठना उठना दिखेगा। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो ऐसे उखड़े उखड़े दिखेंगे, बड़ा सा जैसे सिर का दिखता है बाहर रखकर दूसरे को। हाँ वैसे ही सिर पे गंदा लगता है, कई भी इससे अपनी कभी जीव देखिएगा माइक्रोस्कोप से, वो ऐसे खड़ी खड़ी एकदम लगता है कांटे जैसा दिख रहा होगा। और गंदी कर दी अगर गंदी हो तो क्या डॉक्टर बनोगी तुम? क्या डॉक्टर मतलब? वो जीव ही नहीं देखा जा रहा है। जीव देखा जा रहा है? किसने कहा नहीं देखा जा रहा है? मैं तो जीव जरूर देखूंगी लेकिन अपनी देखूंगी। तो सेल्फी डॉक्टर बनोगी? मैं ये भी रखना ही करूंगी, इलाज पता है दो तीन साल से रखी हुई थी, कोई काम नहीं था और फेंका उसके अलग मेरी काम पड़ गया। मुझे गन थी ना इंजेक्शन वाली, वो तीन साल से रखी हुई थी, कोई काम नहीं था उसका, फेंक आती थी इधर उधर, मैंने फेंक तो उसके अगले महीने से काम पड़ेगा। हेलो गाइस, बहुत देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, इसलिए स्माइल आ गई, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं चाहे जितना भी परेशान रहूं लेकिन जरा सा अच्छा फील करती हूं तो फिर हंसना स्टार्ट कर देती हूं। लेकिन एक और बैड बात हो गई मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूं, ये देखो देख रहो, ये मेरा हैंड जो है वो जल गया, देख रहा है? तो ये हैंड जल गया अभी, तो छीटा पड़ गया ऑयल का, तो जल गया और मैंने उस पर पेस्ट लगाया हुआ, कहते हैं ना पेस्ट से वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके लिए लगाया हुआ, बहुत जलन हो रही है उसमें, बहुत जलन हो रही है, तो उसने थोड़ा सा पेस्ट लगाया है। और गाइस होता है ना कभी कभी आपका दिन ही ख़राब होता है, तो आज का मेरा पूरा दिन ही ख़राब है, कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ ही रही है आज। एक तो पहले ही से मैं बहुत सैड फील कर रही थी, उसके बाद फिर मेरा ये हाथ भी जल गया, तो कोई दिन होता है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे साथ भी वही है। और देखो रो रो के मेरी आंखें कैसी भी पड़ी है, रेड हो गई हैं पूरी, बहुत रोए आज, बहुत रोए, बार बार रोए हैं, शक्ल बिगड़ गई है रो रो के, वही गले की हड्डियाँ भी दिखने लगी हैं, यार क्या हो गया है मुझे, ओ माय गॉड, इतनी हड्डियाँ गले में दिख रही हैं, देखो क्या हो गया है। तो चलो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो और दिन अच्छा जाए, आई होप सो कि मेरी लाइफ में कल का दिन आज से बेस्ट हो
और आज जैसा कुछ भी ना हो, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, अच्छा फील करूँ और ये जो जला वाला हो सब ठीक हो जाए। और बस चलिए, मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, सी यू टुमारो, लव यू गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी भी बजा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, हर हर महादेव। Keep all your game, as in lost, as in lost.